शाहजहांपुर में एक परिवार पिछले 3 दिनों से बदमाशों के खौफ से अपने घर में कैद है। आरोपी की 5 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपियों और शातिर अपराधी की गिरफ्तारी न होने से पूरा परिवार दहशत में है। साथ ही परिवार को खत्म करने की धमकी भी मिल रही है। परिवार ने योगी सरकार से मदद की गुहार लगाई है। आज की इसी सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं शाहजहांपुर का सबसे तेज बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं बलजीत सिंह और आप देख रहे हैं मिशन। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के मोहम्मद हद्दफ के रहने वाले राहत अली खान उर्फ कुल्लू के भाई सोहेल अली खान के अश्लील फोटो को वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। इस मामले में थाना सदर बाजार में पप्पू यादव और सोहेल खान उर्फ बॉर्डर सहित 6 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से अपने घर में कैद है, क्योंकि आरोपी नाजायज असलहों के साथ अपने गुर्गों को लेकर उनकी हत्या करने के लिए घूम रहे हैं। परिवार का कहना है कि इनमें से एक अपराधी बेहद शातिर है, जो इस समय इससे पहले भी 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे में जेल जा चुका है। परिवार का कहना है कि अगर इन सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके परिवार के साथ बड़ा हादसा हो सकता है। परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मदद की गुहार लगाई है। मिर्जापुर पुलिस ने अवैध असलाह से लैस होकर लूट की योजना बनाते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 2 तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। सिंधौली क्षेत्र में अवैध तरीके से खनन करा रहे भट्टा मालिकों के खिलाफ भाकियों ने मोर्चा खोल दिया है। आज भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन सिंधौली कोतवाल को सौंपा। भाकियों का आरोप है कि पुलिस के संरक्षण में क्षेत्र में खनन चरम पर है। भाकियों का कहना है कि खनन माफिया उपजाऊ भूमि को तालाबों में तब्दील कर रहे हैं, तो वहीं खनन कर ट्राली से मिट्टी ले जाते समय सड़कों पर मिट्टी गिरती है, जो बारिश होने के बाद दलदल बन जाती है और आंधी के दौरान सड़क पर गिरी मिट्टी धूल का गुबार बन जाती है, जिसके चलते निकलने वाले राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तिलहर नगर के बिरियागंज स्थित राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में बने हुए क्वारंटीन सेंटर के बाहर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जाता है। क्वारंटीन सेंटर से निकलने वाले लोग झुंड की शक्ल में निकलते हैं और फिर ई रिक्शा पर बैठकर अपने घरों के लिए रवाना हो जाते हैं। खास बात यह है कि इस दौरान यहाँ सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। हालांकि स्थानीय पुलिस का एक जवान यहाँ हमेशा तैनात रहता है, लेकिन वह भी लोगों को नियमों का पालन कराने में फेल साबित हो रहा है। प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला और उसके प्रेमी को निगोही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि निगोही थाना क्षेत्र के गांव सहतेपुर में 30 मई को महिला द्वारा अपने ही प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी गई थी। फिलहाल आज पुलिस ने हत्या को अंजाम देने के आरोप में महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। शाहजहांपुर स्टेशन पर रुकने वाली श्रमिक ट्रेनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा देर रात लगातार 6ठे दिन भोजन और पानी वितरण का कार्यक्रम किया गया। स्वयंसेवकों ने 3500 भोजन के पैकेट वितरित किए, जिसमें शाहजहांपुर स्टेशन पर सभी स्वयंसेवकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा। भोजन और पानी पाकर सभी यात्री खुश हुए। जब ट्रेन चलने लगी तब सभी स्वयंसेवकों ने यात्रियों की शुभ यात्रा के लिए तालियां बजाईं। सिंधौली में खेत पर पानी चला रहे किसान पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। हमला करने से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना थाना सिंधौली क्षेत्र के गांव मूड़ा हारिस की है। यहां वीरपाल अपने खेत में पानी चला रहा था, उसी दौरान जंगली सुअर ने उस पर अचानक हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी सिंधौली क्षेत्र में जंगली सुअर द्वारा किसानों पर हमला किया गया है।